Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Its name is Pass Coaching Channel. This is our second video of chapter 6, Linear Inequation. If you still didn't watch the part 1st of this chapter, then go to the description box, check the link of part 1 and must watch it. Also share it with your friends. Now, today we are going to discuss the solutions of system of linear inequation one variable. लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, ओनली सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल. अब सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन है. सो अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस. इसको आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन. जैसे अगर आपको सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन हो तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वेशन वन वेरिएबल. अगर आपके पास वो इक्वेशन एक से ज्यादा जाए, एक मतलब मोर देन वन, तब बोलते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. मतलब जब भी आपको मोर देन वन लीनियर इनइक्वेशन गिवन हो तब आपने क्या कहना है, सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वेशन. दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है. इनको कैसे सॉल्व करना है आपने, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस. कौन कौन सी गिवन है, 3x-6 > 0, 4x-10 < 6. तो हम वन बाय वन इनको सोल्व करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसे मैं ये वाला सोल्व कर ली हूं, 3x-6 > 0. अब दोनों साइड हम क्या कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे. तो ये बन जाएगा 3 के साथ दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड. मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. अगर मैं इसको सेपरेट लिखूं तो यहां पे क्या आएगा, इक्वलिटी है तो 2 पे हमने डार्क सर्कल कर देना है, इस होल को फिल कर देंगे. 2 से बड़े लेने हैं मतलब ये वाला पार्ट. तो आपका जो x सॉल्यूशन है यहां से क्या आ जाएगा, 2 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी. अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ, 4x-10 > 6. सेम दोनों साइड पहले प्लस 10 कर दो, तो 4x < 16, 4 के साथ क्या डिवाइड कर दो. अब क्या बन गया, x क्या हमारा < 4, मतलब इक्वलिटी है तो इसको डार्क कर देंगे. 4 से छोटा मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा. तो x किसको बिलोंग करेगा, -∞ to close interval 4. हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास दो इंटरवल आ गए. ये दोनों आंसर नहीं है बिकॉज ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. सिस्टम ऑफ लीनियर इन इक्वेशंस को जब भी सॉल्व करना है तो आपने कौन सा लेना है जो दोनों में कॉमन पार्ट आता हो. जैसे आपने जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर किया था तब आपने किया होगा, सॉरी हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर अभी नहीं किया, इसके बाद हम स्ट्रेट लाइन चैप्टर ही करेंगे. तब आपने जैसे आपने टेंथ में किया होगा, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करती तो एक कॉमन पॉइंट आता है जिसपे वो दोनों क्या है, मतलब सेटिस्फाई करती है. सिमिलरली हमने क्या करना है, दोनों इन इक्वेशन को सोल्व करके दो जो इंटरवल बने हैं उसमें से कॉमन पार्ट देखने कौन आ रहा है. अब हम वो करते हैं, सबसे पहले मैं जो पूरी लाइन है ना उसको ड्रॉ करती हूँ. अब यहां से 2 आया है, यहां से 4 आया है, दोनों नंबर को लिख लो. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जो पहले इक्वेशन को सोल्व किया है मतलब टू क्लोज 2 भी 2 इंक्लूड है, उससे हमने बड़े वाले नंबर लेने हैं, मतलब ये वाला पार्ट. -∞ to 4 मतलब 4 से छोटे 4 भी इंक्लूड है, ये वाला पार्ट. अब आपने देखना है, ये मेरा पहली इक्वेशन का ग्राफ है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन का. अब आपने देखना है इन दोनों में से जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इंटरसेक्शन पार्ट जो कॉमन पार्ट आ रहा है वो कौन है, सिर्फ ये वाला, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें भी है, ये वाला पार्ट इसमें भी है. देन आप क्या लिखोगे यहां पे, इंटरसेक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन सेट.
मतलब जो हमने सॉल्यूशन सेट निकाले हैं उसका क्या आया है, क्लोज्ड टू से क्लोज्ड फोर इंटरवल बन गया। मतलब यहाँ पे से आप कोई भी नंबर पुट करो, सेम ही नंबर उठाओ, दोनों में पुट करो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू ऑन द सेकेंड क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, उस इन इक्वेशंस को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट को कर रही हूँ, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देन इसे हमने सिंपलीफाई करना है। एक्स वाली टर्म्स एक साइड ले लीजिए और कांस्टेंट टर्म एक साइड, दोनों को करेंगे माइनस टू से डिवाइड। जब माइनस टू से डिवाइड जब मल्टीप्लाई करते इक्वलिटी हो जाती है चेंज, मतलब एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा फोर। ग्रेटर देन फोर मतलब इक्वलिटी नहीं है, तो फोर पे हम होल कर देंगे, उससे बड़ा सारा ये वाला पार्ट मैं क्या डार्क कर दूंगी, ये हाईलाइट होगा, मतलब ये इसका ग्राफ है। फोर से बड़े फोर टू इन्फिनिटी, दोनों पे ओपन का ब्रैकेट आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं। टू एक्स माइनस थ्री बाय फोर प्लस सिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस फोर एक्स बाय थ्री। पहले हम दोनों साइड एलसीएम ले लेते हैं। सिंप्लीफाई, ठीक है। अब थ्री इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, फोर दूसरी साइड चला जाएगा। फिर एक्स वाले एक साइड पे कर लीजिए और कांस्टेंट नंबर एक साइड पे। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, जब मैं माइनस टेन के साथ डिवाइड करूंगी इक्वलिटी हो जाएगी चेंज, मतलब एक्स मेरा लेस देन इक्वल टू 3.9, मतलब 3.9 उससे छोटे, तो मेरा एक्स किसको बिलोंग करेगा, अब देखिए अब हमें क्या बोला गया है, 3.9 मतलब 3.9 से इक्वलिटी है, तो इस पर डार्क कर दो, इससे छोटे मतलब ये सभी पार्ट आ जाएगा। अब हमने कॉमन पार्ट निकालना है, हम करते हैं फिगर ड्रॉ, दोनों को एक साथ कर लीजिए। पहले में हमने क्या लिया, ये पूरा का पूरा बना लीजिए, ठीक है। सेकंड वाला ये रहा, अब दोनों में से आपने देखना है कौन सा पार्ट कॉमन आ रहा है। अब ये वाला पार्ट बोल रहा है फोर को छोड़ के उससे बड़ा कोई भी नंबर ले सकते हो, और ये वाला पार्ट बोल रहा है 3.9 को लेके उसके पीछे वाला कोई भी छोटा नंबर ले सकते हो, मतलब हमारे दोनों में कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आया। देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द टू इनइक्वेशंस, देयरफॉर गिवन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। लास्ट में लिख देंगे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे तो 3.9 अगर आप मेजर करोगे यही कहीं होगा, इसके पीछे थोड़ा सा 3.9, ये बोल रहा है इससे पीछे नंबर लेने हैं, ये बोल रहा है फोर से आगे नंबर लेने हैं, 3.9 फोर से पीछे होगा, ये बोल रहा है इसमें ये वाला पार्ट रहना है, इसमें दोनों में से कॉमन कोई भी पॉइंट नहीं रहा, तो नो सॉल्यूशन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सॉल्व। अब हमारे पास जो इक्वेशन है ना, दो इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशंस वो एक में ही मर्ज है। जैसे अगर मैं इसको आपको लिख देता हूं, जैसे अब इसको हाइड कर लो तो आपकी इक्वेशन बनेगी 4x-3 <13। इसको हाइड करोगे तो हमारा क्या बनेगा, सपोज मैंने इसको हाइड कर दिया, 4x-3 ये बड़ा है -11 से। देखो ये दोनों इक्वेशंस को मर्ज करके एक साथ कंबाइन करके इसको एक में कन्वर्ट किया हुआ है, ये इजी होते इसमें कुछ नहीं होता, पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए, बट इसके साथ -3 है तो हम क्या करेंगे, एडिंग 3,
मतलब सब में 3+ कर देंगे, ये बन जाएगा -8 4x 16। अब एक्स का 4 है तो डिवाइड किसे कर देंगे, 4 के साथ, डिवाइडिंग 4 थ्रो आउट मीन्स पूरी इनइक्वालिटी में, तो सबके साथ 4 को कर देंगे डिवाइड, क्या बन जाएगा -2x 4। ये तो पता ही आपको, मतलब -2 से बड़े 4 से छोटे, ठीक है जी, -2 से बड़े 4 से छोटे, दोनों पे इक्वालिटी का साइन है, क्लोज इंटरवल, तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें आपको क्या ये ग्राफ ड्रा करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ तो। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जल्दी से इनको नोट कर लीजिए, ये मैंने डायरेक्ट आपको रिजल्ट लिखा है, हम क्वेश्चन में डायरेक्ट इनको यूज करेंगे। मोड एक्स, ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन जो नेगेटिव इनपुट को पॉजिटिव में चेंज कर देता है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, मतलब मोड एक्स लेस देन हो तो आपने मोड हटा क्या लिखना है, -a to a, मतलब ओपन इंटरवल -a to a। सिंपली यहाँ पे अगर इक्वलिटी आ जाए तो आप यहाँ पे भी इक्वलिटी कर दोगे, यहाँ पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ये लेस देन वाला कंसेप्ट था, ग्रेटर देन वाला। अब अगर यही मोड में ग्रेटर देन आ जाए, देन एक्स लेस देन -a और एक्स ग्रेटर देन ए, मतलब एक्स इसको बिलोंग करेगा -a से छोटे, मतलब -∞ to -a, और का मतलब होता है यूनियन, एक्स ग्रेटर देन ए मतलब a से बड़े a to infinity। अगर यही इक्वलिटी आ जाए तो यहाँ पे भी इक्वलिटी लगा दोगे, यहाँ दोनों पे पॉइंट्स पे -a पे क्लोज इंटरवल आ जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन में इसको कैसे यूज करना है। जैसे मेरा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व मोड 3x-2 लेस देन इक्वल टू 1/2, कंपेयर करो किसके साथ है, मोड के साथ लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये वाला है। अब मैं इसको लिख के बता रही हूँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो -a to a होगी। अब इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ पे a कितना है 1/2, मतलब मोड हटा दोगे, यहाँ पे 3x-2, देखो मोड हटा के बीच में एक्स वैसे ही रहता है, ये पूरा का पूरा हमारा एक्स है। अभी यहाँ पे आपने क्या लगाना है, एक बार ये नेगेटिव में मतलब -1/2, एक बार ये पॉजिटिव में मतलब 1/2। हमने ये अभी इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा ही है, सबसे पहले -2 है ना, तो पूरी इक्वेशन में हम +2 कर देंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा 3x < 1+4 2, मतलब इसकी वैल्यू आ गई 3/2 < 3x 5/2। अब x ओनली हमें सिंगल चाहिए, इसके साथ कोएफिशिएंट 3 है, 3 के साथ हम डिवाइड कर देते हैं, तो मतलब 1/2 x < 5/6, मतलब x किसको बिलोंग करता है, 1/2 से बड़ा 5/6 से छोटा, इक्वालिटी का साइन है, तो क्लोज इंटरवल मैंने अभी बताया था। देखो इसका आंसर, अब सेकंड पार्ट में देखो जो आंसर है क्लोज इंटरवल में आ रहा है, देखो हमारा क्लोज इंटरवल में ही आ रहा है। तो ऐसे ही आपने कंपेयर करके बस डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है और उन इन इक्वेशंस को क्या सॉल्व करके आपका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन, हमारे पास दो इन इक्वेशंस आ गई, सिस्टम इसीलिए लिखे ना, मोर देन वन इन इक्वेशन, सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम अभी किया था, मोड एक्स अगर लेस देन इक्वल टू ए आ जाए कैसे ओपन करना है, -a to a में, ठीक है, तो मतलब पहले आएगा -5, मोड हटा दो पूरा का पूरा एज इट इज, यहाँ पे +5, -1 है यहाँ पे, तो सब में क्या कर देंगे +1 ऐड कर दो, मतलब -4 से x की वैल्यू 5, तो x किसको बिलोंग करता है, -4 से बड़ा 5 से छोटा, इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट हो गया। अब मेरा क्या है, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अभी हमने किया था मोड एक्स अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ये जाए तो एक्स किस में हो जाता है, एक्स लेस देन इक्वल टू -a और एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू a में हो जाता है। अभी कंपेयर करो, दोनों में कंपेयर करेंगे a की वैल्यू क्या है, 2 है, लिख दो एक्स लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कुछ नहीं करना, बस एक कंपेयर किया 2 आ गया तो एक ही जगह दोनों साइड 2 रख दिया। अब इसका मतलब क्या है, x किसको बिलोंग करता है, -2 को, इक्वलिटी है तो क्लोज इंटरवल, उससे छोटा, मतलब सॉरी गलत लिखा गया, ठीक है, फिर क्या है, और x किसको बिलोंग करता है, आइदर 2 2 से बड़े,
टू से बड़े क्लोज इंटरवल, तो इसको कंबाइन करके लिख देंगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू, और या तो यूनियन डाल दो टू से इन्फिनिटी। अब दोनों को हम पैरेलल इनके रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी फ्रेंड, मैं यहाँ पे प्लस वन लिखना भूल गई थी, या अगर यहाँ पे तो ये पूरी इक्वेशन में भी ऐड करना है, सिक्स आ जाएगा माइनस फोर टू सिक्स। तो मेरा पहला जो इंटरवल है वो क्या बन रहा है, एक्स बिलोंग करता है माइनस फोर टू सिक्स। अब इसका हम ग्राफ जो रियल लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको, सपोज फोर यहाँ पे है सिक्स यहाँ पे है, दोनों माइनस फोर ले रहे ना हमने, तो थोड़ा सा इधर बना देते हैं। दोनों पे क्लोज इंटरवल है मतलब डार्क कर दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया है इसको देखो, मतलब माइनस फोर से बड़ा सिक्स से छोटा, तो सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा बनाते हैं, दूसरे में क्या लिखा था, जो मेरा x है, मैंने साइड पे लिख देती हूँ, वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू से इन्फिनिटी। इसको ड्रॉ करते हैं, बिकॉज पैरेलल ड्रॉ करना, दैट्स व्हाई मैंने साइड पे लिख दिया इसको, फिर आपको दोनों को कंपेयर करना इजी हो जाएगा। यहाँ पे सिक्स है तो यहाँ पे कहीं पे ये मैं माइनस टू लेती हूँ, सपोज यहाँ पे मेरा टू है। अब इन्होंने क्या बोला है, माइनस टू पे क्लोज इंटरवल, इसको डार्क कर दो, भी इससे हमने छोटे लेने हैं, मतलब ये वाला पार्ट। टू से इन्फिनिटी मतलब टू को डार्क करो, टू से बड़े वाला पार्ट। अब दोनों में कंपेयर करो कौन सा आ रहा है। अब दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो देखो, ये बोल रहा है माइनस फोर से सिक्स वाला पार्ट लेना है, ठीक है ना। हमें कंफ्यूजन हो रही है, हम ऐसे करते हैं ना, ये माइनस टू ऊपर भी थोड़ा बना लेते हैं, सपोज यहाँ पे माइनस थ्री माइनस टू, यहाँ पे कहीं टू होगा। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, माइनस फोर टू सिक्स वाले पार्ट। अगर मैं यहाँ देखूँ, मतलब माइनस टू से बड़ा माइनस थ्री भी पड़ा है माइनस फोर, मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे माइनस फोर, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा इतना पार्ट कॉमन आ रहा है। फिर सिमिलरली ये टू से बड़े वाले लेने हैं, हमने ये वाला पार्ट नहीं लेना, ये पार्ट नहीं लेना, टू से बड़े लेने हैं, तो टू से बड़े कहाँ तक लेने हैं, सिक्स पे, हमने ये पार्ट भी नहीं लेना, ये पार्ट भी नहीं लेना, टू से बड़े सिक्स तक है, तो सिर्फ कॉमन पार्ट कितना आएगा, यहां तक। क्यों, ये पार्ट इसमें तो है बट इसमें नहीं है, तो सिर्फ इतना पार्ट जाएगा, तो हमारा जो कॉमन पार्ट क्या आएगा, एक तो माइनस फोर से माइनस टू आएगा, ठीक है, दूसरा यूनियन टू से सिक्स वाला पार्ट आएगा, सिर्फ इतना पार्ट आएगा। आपने कंपेयर कैसे करना है, जैसे माइनस टू से बड़ा है, ठीक है ना, तो माइनस टू से बड़ा माइनस थ्री माइनस फोर, सॉरी माइनस टू से छोटा है तो माइनस टू छोटा माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव सो होना है, बट यहाँ पे स्टॉप माइनस फोर पे करना है, तो इतना पार्ट कॉमन आ गया, ये बीच वाला पार्ट लेना नहीं, तो कंपेयर करना नहीं, इससे बड़ा क्या है टू से। अब यहाँ पे हमें बोला इतना पार्ट लेना है, ये लेना नहीं ना, तो यहाँ पे सिक्स तक मैंने रिस्ट्रिक्शन ला दी, मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू क्या आ गया, सिर्फ इतना पार्ट आया, मतलब ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो का एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसके बाद आज का टॉपिक ये पे कंप्लीट होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान समझ लेना। देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन टू बाय मोड एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन वन। अब यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू फोर क्यों लिखा है, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो भी फंक्शन हमारा पड़ा होता है ना, उसको इक्वल जीरो रख दो, तो वो वैल्यू हमने पुट नहीं करनी होती, बिकॉज इससे हमारा फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, नीचे जीरो बन जाएगा। अब हमारी सॉरी ये पूरे फंक्शन पे मोड है, ठीक है फ्रेंड्स। मोड की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर पूरे फंक्शन पे मोड है तो हमारा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर पे सेपरेट कर सकते हो, टू तो पॉजिटिव है टू रह जाएगा, नीचे मोड एक्स माइनस फोर ग्रेटर देन वन। अब हम क्या करेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे, तो टू ग्रेटर देन मोड एक्स माइनस फोर, इसको सही करके लिख लो, मोड एक्स माइनस फोर क्या है, छोटा है टू से, यही है ना, बिकॉज टू के साइड इस एरो का मुंह ओपन है, तो ये मैंने सेम टू सेम लिख दिया। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मोड एक्स अगर लेस देन हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये मतलब ए यहाँ पे टू है, एक बार माइनस का एक बार प्लस का पूरा एक्स बीच में लिख देंगे, ठीक है ना। अब माइनस फोर है तो पूरी इक्वेशन में हम फोर को ऐड कर देंगे,
ये टू एक्स लेस देन सिक्स, मतलब टू से बड़े एक्स सिक्स से छोटे, तो एक्स किसको बिलोंग करेगा, टू कोमा सिक्स। ओपन इंटरवल क्यों लिया, इक्वलिटी नहीं है। साथ में आपने ये भी मेंशन करना है बिकॉज इसके बीच में फोर आ रहा है, वो फोर हमने नहीं लेना बिकॉज हमें स्टार्टिंग में मेंशन किया एक्स नॉट इक्वल टू फोर, तो साथ में ये भी मेंशन कर देना। अगर नहीं करोगे तो आपका क्या है, क्वेश्चन के मार्क्स कट हो जाएंगे। क्वेश्चन तो आपका सही होगा बट मार्क्स कट सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं फोर पुट कर सकती हूँ बट फोर मैं पुट नहीं कर सकती, स्टार्टिंग मेंशन है, तो आपको ये लिखना जरूरी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसके साथ आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अब बारी आती है प्रैक्टिस क्वेश्चन की, तो ये रहे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। साथ में मैंने इनके क्या आंसर दिए हुए हैं, ब्लू पेन में आंसर इनके साथ लिखे हुए हैं, तो आपने देखना है कौन सा टॉपिक है। ये मोड वाले जो प्रॉपर्टी के साथ होंगे, ये विदाउट मोड वाले जो मैंने क्या स्टार्टिंग में करवाए थे। आज हमने इस वीडियो में दो टॉपिक डिस्कस किया है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।